नमस्कार, न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश भर में अभी तक 308 लोगों की मौत। भारतीय मीडिया गरीब विरोधी और अवैज्ञानिक है, झूठ मानना सिखा रही है, रवीश कुमार। कोरोना, झूठी खबरों से देश भर में फैलाया गया नफरत का खूनी वायरस। कोरोना में बंदी का दौर लंबा चला तो भुखमरी से होंगी ज्यादा मौतें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक आज इस खबर के रिकॉर्ड किए जाने तक पिछले 24 घंटों में 35 लोगों की मौत हुई और 705 नए मामले आए। इसी के साथ कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,152 हो गई है। इनमें से 7,987 सक्रिय हैं, 856 स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 308 लोगों की मौत हो गई है। आज नागालैंड में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आया है। वहीं महाराष्ट्र में 82, उत्तर प्रदेश के आगरा में 30, गुजरात में 22, मध्य प्रदेश के इंदौर में 22, कर्नाटक में 15, आंध्र प्रदेश में 12, राजस्थान में 11 और मुंबई के धारावी में 4 नए मामले सामने आए। विज्ञान को बढ़ावा देने के बजाय भारतीय मीडिया अंधविश्वास और सांप्रदायिकता के बीच बो रही है, ऐसा मानना है वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का। आइए सुनते हैं उन्हें। सारे देश में हम देख रहे हैं कि वहां का सरकार कह रहे कि व्यक्तिगत निजता भूल जाइए, प्राइवेसी भूल जाइए। ये सरकार, सारी सरकार कह रहे हैं कि हमें अगर सूचना के ऊपर एक नियंत्रण रखने का जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो ये जो फेक न्यूज है, जो झूठा खबर है, इसके ऊपर हम पाबंदी नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो दवाई, ये बीमारी से भी खराब है। इज द क्योर वर्स देन द डिजीज। प्रणजय, देखिए, अब तो कई उदाहरणों से ये साबित किया जा सकता है कि फेक न्यूज तो अब सरकार ही फैला रही है। और दो तरह के फेक न्यूज होते हैं, एक जो सरकार के समर्थक पार्टी सिस्टम से जो फेक न्यूज, मीडिया सिस्टम से जो फेक न्यूज फैलाया जाता है, वो उस पर वो सरकारें कभी लगाम नहीं लगाती हैं, कभी भी नहीं लगाती। और जो सरकार नहीं बताती है और जो सूचना छिपी रह जाती है, वो डेड न्यूज है। मतलब वो है लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो एक व्यूअर या रीडर के तौर पे आपके सामने फेसबुक का एक संकट तो है ही, उससे कहीं ज्यादा बड़ा संकट डेड न्यूज का है, बेरिड न्यूज का है, जो दफना दी गई हैं सच्चाइयां, उनका ज्यादा है। और वो सरकारें को ये महामारी एक बहाना के रूप में उपलब्ध हुआ है, लेकिन ये ना भी होता तो सरकारें लगातार, परंजय, अपनी ये लड़ाई जीतती जा रही हैं। वो अलग अलग देश में मीडिया पे के जरिए कंट्रोल कायम करती जा रही हैं। समस्या ये है कि ये लड़ाई जनता हारती चली जा रही है। जनता को ये डिमांड करना चाहिए था कि ये किस तरह की खबरें हैं, लेकिन जनता को एक मेक बिलीव वर्ल्ड में एक रहने की आदत बनाई गई है, या उसकी क्या स्थिति है उसकी तरफ से तो बात बहुत लंबी हो जाएगी उस जोन में जाने से। लेकिन इस क्लासिक केस है कि हम इस पैंडेमिक के दौर में अपने इंफॉर्मेशन सीकिंग के हंगर को किस तरह से हम एक इंफॉर्मेशन डाइट पे चले गए हैं। अब आपके पास इस इंफॉर्मेशन डाइट जो है, इसमें आपको उतना ही मिलेगा जितना 10 मिनट के भीतर, भारत का ही उदाहरण दूंगा कि कितना संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं अभी देख रहा था, जबकि ICMR के जो वैज्ञानिक हैं काफी जानकार मालूम पड़ते हैं, अगर वो पत्रकारों के साथ बैठे, ज्यादा सवाल जवाब हो, कई तरह के सवाल हो, तो जनता का ही एक तरह से फायदा है। पर उसमें क्या निकल जाएगा ये बड़ा मुश्किल है। कि जैसे वो उन्होंने कह दिया कि जो टेस्ट किट, किसी चीज की जो टेस्ट किट से ही संबंधित चीजें थी, उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर तो कर दिया पर सप्लाई अभी नहीं हुई है, एक दो दिन में हुई। पर ये, वो एक वैज्ञानिक है, पर ये बात सरकार की तरफ से जो बताते हैं वो नहीं बताते हैं। तो हम बहुत तरह की जमीन पर हार गए हैं। हम आप जिन देशों की ओर इशारा कर रहे थे, वो आमतौर पे एक मध्यम किस्म की विकसित देश हैं। जो बड़े मुल्क हैं वहाँ भी इंफॉर्मेशन की बुरी हालत है, लेकिन आप अमेरिका को देखिए,
इसके बाद भी और रोज प्रेस के सामने जवाब देते हैं, उनके वैज्ञानिक अपने राष्ट्रपति से अलग स्टैंड लेते हैं, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? बोल सकता है कोई वैज्ञानिक यहाँ पर? कोई नहीं बोल सकता। वरिष्ठ पत्रकार भाषण सिंह ने अपने ग्राउंड रिपोर्ट में बताया कि सुनियोजित साजिश के तहत मुसलमानों के खिलाफ नफरत को प्रचारित किया गया है। मुख्य धारा के मीडिया ने शर्मनाक भूमिका अदा की है, झूठी नफरत फैलाने वाली खबरों को लगातार चलाकर। पुलिस वालों से लेकर जिला अधिकारियों तक को नफरत फैलाने वाली मीडिया के खिलाफ बोलना पड़ा है। आइए सुनते हैं भाषा सिंह की इस स्पेशल रिपोर्ट। नफरत का यह वायरस किस तरह से आम आदमी की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, इसका ताजा उदाहरण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहां से देखने को मिला। दो घटनाएं हम आपको बता रहे हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। बनारस में दो महिलाओं को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, एक का नाम फौजिया शाहीन और दूसरी महिला का नाम हमना खातून। इन दोनों महिलाओं के साथ किस तरह से भेदभाव होता है। पहली महिला फौजिया शाहीन को तो डिलीवरी के लिए अंदर अस्पताल भर्ती तक नहीं करता, क्योंकि वह मदनपुरा इलाके से आती हैं। मदनपुरा मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर सीधे सीधे उन्हें लोग बोलते हैं कि तुम कोरोना से हमें भी मारने आई हो। स्ट्रेचर पर ही डिलीवरी होती है, बहुत मुश्किल से माँ और बच्चे की जिंदगी बचती है। और दूसरी जो घटना है वह भी तकरीबन इसी ढंग की है। जिस तरह से आंकड़ों को अलग अलग करके दिखाना शुरू किया, एक पूरे समुदाय को टारगेट करने की का इरादा इसमें साफ दिखाई देता है। सरकारी बयानों में भी और प्रेस ब्रीफिंग में भी संख्या अलग करके बताई जाती रही, 30% लोग एक जमात से हैं। तो ऐसा लोगों के बीच में मैसेज दिया गया बाकायदे कि जैसे एक कम्युनिटी, एक समुदाय जिम्मेदार है पूरे देश में इस महामारी को लाने के लिए, और आम लोगों में ये धारणाएं बनाई गई। और उसका नतीजा हुआ कि अभी परसों बनारस में जो चार इलाके सील किए गए हैं, जिसमें तीन बुनकर बहुल मुस्लिम इलाके हैं, उन बजरडीहा और मदनपुरा से दो महिलाएं डिलीवरी के लिए गईं और उनको डॉक्टर ने और स्टाफ ने अटेंड करने से मना कर दिया। एक को डिलीवरी जो है गाड़ी में हो गई। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है और इसका खामियाजा बाद में बहुत भुगतना पड़ सकता है। जो मुख्य धारा का मीडिया है, टीवी चैनल है, अखबार किस तरह से भ्रामक खबरें चला रहे हैं, इसकी ताजा मिसाल अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली। वहां पर जी टीवी ने बिल्कुल गलत ढंग की खबर दिखाई, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। और जब दबाव पड़ा, अरुणाचल पुलिस ने जब जी न्यूज की खबर ली, तब उन्हें खबर चलानी पड़ी कि गलती से ये सब कुछ हुआ। इसी तरह से आप देखेंगे कि प्रयागराज इलाहाबाद की पुलिस न्यूज नेशन से कहती है, उसके बाद फिरोजाबाद पुलिस जी न्यूज से कहती है, नोएडा पुलिस ANI न्यूज एजेंसी से कहती है। इस तरह के तमाम वाके हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, जहां DM से लेके तमाम लोग यह बोल रहे हैं कि मीडिया घराने गलत खबरें, नफरत वाली खबरें चलाना बंद करें। पहली बार हुआ कि पुलिस ट्विटर हैंडल से, पुलिस ने ऑल्ट न्यूज की खबरों को ट्वीट किया और बताया कि तबलीगी जमात के बारे में जितनी खबरें फैलाई जा रही हैं, जितनी खबरों का जिक्र मैंने किया, वे सब फर्जी हैं। दुख की बात है कि इन फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने FIR की बात तो की। महाराष्ट्र पुलिस ने कम से कम कुछ दम दिखाया, कुछ रीढ़ दिखाई। उन्होंने कहा कि हम सुधीर चौधरी हो, रजत शर्मा हो, अंजना ओम कश्यप हो, इनके खिलाफ FIR करेंगे, लेकिन बाद में तुरंत U-turn ले लिया। ये U-turn क्यों लिया हम और आप समझ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर्स भी उनको देखने होंगे। लेकिन एक बात साफ है कि मामला यहां तक पहुंचना कि पुलिस को कहना कि आप अपनी हरकतों से बाज आइए, यानी कितनी नफरत फैली हुई है नीचे तक। आलम यह हो गया है कि लोगों को इतना आतंकित किया जा रहा है, इतना डराया धमकाया जा रहा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से जो खबर आई है वह बताती है कि किस तरह से एक मुसलमान व्यक्ति ने आत्महत्या करी। क्यों? क्योंकि वह कुछ तबलीगी जमात में जो लोग शामिल हुए थे उनसे उसकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद उसके बारे में कोरोना पॉजिटिव होने की अफवाह फैलाई गई।
और पंजाब में होशियारपुर में हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम परिवार को गांव छोड़कर जान बचा के भागना पड़ा, क्योंकि गांव वाले मान के चल रहे थे कि ये लोग कोरोना फैलाएंगे, जबकि परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी में दिल्ली देखा तक नहीं, वे सिर्फ नाम से मुसलमान हैं और इसलिए निशाने पे लिए गए हैं, वरना वे पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रहते आए हैं। एक घटना देश की राजधानी दिल्ली से है। बवाना में एक मुसलमान युवक जो फंसा हुआ था मध्य प्रदेश के रायसेन में, वो वापस लौटता है। उसके बाद उसके बारे में उसी तरह की जानकारी फैलती है, लोग बुला के ले जाते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं उसको मारते हुए। आप तक हो सकता है वीडियो पहुंचा हो, हम वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत दर्दनाक है और इस तरह के प्रचार प्रसार में हम विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये वीडियो भी बिल्कुल मॉब लिंचिंग वाला वीडियो है, जहां पे मारने वाला खुद ही वीडियो उतार रहा है और बोल रहा है कि तुम यहां पर बाकी लोगों को कोरोना फैलाने के लिए आए हो, तुम एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो। ये बड़ी साजिश पूरे देश में एक ही ढंग का मैसेज गया है मुसलमानों के खिलाफ कि वे खुद को मारकर हमें और आपको मारना चाहते हैं, इस देश को मारना चाहते हैं। और इसका असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार ही तक नहीं, झारखंड तक पहुंचा है। झारखंड के गुमला से भी खबर आई है कि वहां पर भी ठीक इसी तरह की नफरत का शिकार कुछ नौजवान हुए हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि सुबह से शाम तक हमारे टीवी चैनल एक ही तरह की नफरत फैला रहे हैं, मानो ये तबलीगी जमात के लोग जितने भी हों, 200 हों, 300 हों, इनके अलावा किसी को कोरोना हुआ ही नहीं। कोरोना की शुरुआत भारत में आम भारतीय नागरिक इस समय मान रहा है कि यह तबलीगी जमात की वजह से ही हुई, जो सरासर झूठ है और गलत है। और यह बात सिर्फ हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है। उसने कहा है कि इस तरह का जो दुष्प्रचार चल रहा है समुदाय के खिलाफ, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। शासन का सारा जोर लॉकडाउन पर है, जिसे विशेषज्ञ भी मौजूदा हालात में जीवन रक्षा के लिए जरूरी मान रहे हैं। पर जीवन के साथ जीविका की रक्षा नहीं होगी तो बीमारी से बचकर भी लाखों तबाह हो जाएंगे और करोड़ों बेरोजगार। संयुक्त राष्ट्र संघ के आईएलओ ने भी हाल ही में भारत को चेताया है। पीएम की मुख्यमंत्रियों से बैठक पर हुई बात पर टिप्पणी कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, आइए सुनते हैं उन्हें। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रियों को जरूर सोचना चाहिए और इस पर मैं आपका आज ध्यान खींचना चाहता हूं। ये यूनाइटेड नेशन के लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुतालिक भारत में कोविड-19 और लॉकडाउन वगैरह के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें उनका कहना है कि 40 करोड़ लोग जो हैं बेहाल हो सकते हैं, यानी गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं, यानी भारत में बड़ी आबादी को जो तमाम तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम्स के जरिए इतने वर्षों में, कई दशकों में जो ऊपर उठाया गया था, और वाकई हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद घट गई थी, वो केवल बड़ी बीमारियां जब आती थी किसी घर में तभी जो लोग ऊपर उठे हुए थे अचानक फिर वो गरीब हो जाते थे। लेकिन ये जो जानलेवा संक्रमण है, जो आतंककारी है, जो भयावह है, इसकी वजह से और लॉकडाउन की वजह से, इंडस्ट्रीज के ठप होने की वजह से, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर जिसको हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र, उससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होने जा रही है, हो चुकी है। और यूएन की जो रिपोर्ट कहती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, कि 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आएंगे, 139 करोड़ लोगों के इस मुल्क में अगर 40 करोड़ लोग अचानक गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं तो आप कल्पना कीजिए हमारे मुल्क का क्या हाल होगा। दोस्तों, ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है जिस पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी सरकार और जितने मुख्यमंत्री हैं, सबको गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा, क्योंकि इसके यही एक फोरम है जो इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके जनता के हक में कोई फैसला कर सकता है। इसलिए मैं आज ये सवाल आपके बीच छोड़े जाता हूं, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कही है कि कुल मिलाकर दुनिया में जो 2 बिलियन लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में हैं,
ये खासकर इसमें सबसे अधिक अगर प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो भारत, नाइजीरिया और ब्राजील के लोग हैं। ये तीन देशों का नाम यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने खास तौर पे लिया है। इसलिए और देखिए, ये केवल ये नहीं कि एक वैश्विक संस्था ने ये बात कही है, हमारे यहाँ भी CMIE जो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसने हमेशा रोजगार और बेरोजगारी के बारे में बहुत ऑथेंटिक डेटा दिए हैं, उसने भी अभी कहा है कि भारत में बेरोजगारी जो है 23% उछल रही है 23% के हिसाब से। तो बेरोजगारी की जो दर उछलने की है वो बहुत ही भयानक है। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों, जो अभी हाल में मार्च के शुरू में ये 8.7% थी, तो 23% उछलना ये कोई साधारण परिघटना नहीं है। तो असल में कहानी क्या उभरती है, असल में कहानी ये उभरती है कि इस वक्त हमारे देश को, हमारे देश की हुकूमत को, स्टेट्स को जीविका और जीवन दोनों के बीच में एक बेहतर तालमेल करना होगा, एक बेहतर संयोजन करना होगा कि कैसे जीवन की रक्षा भी हो और जीविका की भी रक्षा हो। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।